तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को कर देना प्रेस, ओके। और शॉप करो, जो मेरी एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर देना। इतना काम कर दो, रोमा निपेश है मेरी आईडी, और यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है ना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैंने साड़ी पहनी है क्योंकि मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने साड़ी पहनी। आज मेरी इच्छा थी कि मैं साड़ी पहनूँ, तो मैंने साड़ी पहन ली। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह बाकी है, चिकू है वो नहाने के लिए गए हैं, तो हम दोनों साथ में करते हैं ब्रेकफास्ट। यानी भले लेट हो रहा हो, कैसे भी हो रहा हो, पर साथ में ही करते हैं, क्योंकि कुछ तो यानी खाना हमेशा हमारे हम दोनों का यानी अलग अलग रहता है, अक्सर रहता है, पर ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं कि साथ में ही करें। और अभी जैसे कि मेरा स्किन रूटीन मुझे करना बाकी है, तो मैं मेरा स्किन रूटीन कर फिर आप लोगों से मिलती हूँ। घर के काम निपट गए हैं, अब चलते हैं शॉप पर। तो चलिए, और मेरे साथ कल परसों शायद मेरे जो क्रॉक्स के जूते हैं वो टूट गए। ये आ गई हूँ शॉप पर, और यहाँ पर शॉप पर आके देखा तो चिकू कुछ परचेस कर रहे थे, उसमें भी क्या है मेकअप परचेस कर रहा था। तेने बोला मेरे को चाहिए, झूठे एक नंबर के झूठे, इतना क्या झूठ बोलते हो। अब ये कॉम्बो पूरा इन्होंने खरीदा है, जो कि परफ्यूम का है, अजमल के परफ्यूम का। और इसमें है 5 शेड्स, फर्स्ट है यरिन, पीरोज, एक्सेंट, शेड्स नहीं फ्लेवर है। हाँ फ्लेवर्स हैं, 5 फ्लेवर्स हैं। फर्स्ट है यरिन, सेकंड है पीरोज, थर्ड है एक्सेंट, फोर्थ है निया, और लास्ट में है अरीठा। और सारी फ्रेग्रेंसेस बहुत अच्छी हैं, इनको तो बस बहाना चाहिए ख़रीदारी करने का, और फिर मेरे को बोलते हैं मुझे गिफ्ट का दे दे। अब मेरे भी जूते टूट गए हैं, तो मुझे भी क्रॉक्स के जूते चाहिए, और मेरे बर्थडे पे मेरे को जूते नहीं चाहिए, कुछ अच्छा चाहिए। तो कृपया करके पहले मुझे जूते दिलाएं और फिर मेरे बर्थडे के गिफ्ट का प्लान करें, समझ गए। हाँ, मास्क उतार के बोलो, समझ गया हूँ। आ गई हूँ सैलून में, और सारी हालत देख के तो दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि मेरे सैलून की हालत देखो आप, ये बेड यहाँ से यहाँ आ गया है और सारा इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा है। अब मुझे करनी है यहाँ पर कंप्लीट सफाई। कैमरा रखती हूँ एक तरफ और सफाई करती हूँ। आंखें जल रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दवाई शायद दवाई से जल रही है। बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, इसलिए मुझे मास्क पहनने की ज़रूरत पड़ी। और अब यहाँ पर लगा दूँगी पोछा एंड पूरा ड्राई होने दूँगी, और इस बेड को खिसकाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सलोन की होगी तो कंप्लीट सफाई हो गई है, कंप्लीट सफाई आप देख सकते हो कंप्लीट। ये बेड भी थोड़ा सा दूर रखा है ताकि जो दीमक है वो चिपक ना पाए, और दीमक की दवाई लगाई है तो। और पूरा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, और ये चिकू की पड़ी है टूल किट पूरी बिखर गई है, तो उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रही हूँ इसको। देखो आप भी क्या क्या काम कर रही हूँ, कितनी चीज़ें पता नहीं चल रही, पर जो बिखरा हुआ दिख रहा है वो जमा देती हूँ, अपने बस का जो है वो कंप्लीट काम कर देते हैं। क्योंकि जब चिकू देखेंगे अगर वो चीज़ वहाँ पर नहीं हुई तो चिड़चिड़ करेंगे, ये चीज़ इसके अंदर जो जहाँ पे है वहीं रख रही हूँ। बस ये ड्रिल बाहर था तो ड्रिल जमा। जो बुरी तरीके से खराब हो गया है, मैं अगर थोड़ा भी ध्यान ना दूँ तो क्या सैलून की हालत हो जाती है, मेरे को देख के फिर बहुत चिड़चिड़ होती है।
और भाई जी जैसे कि घर पे जो काम करते हैं वही सैलून पे आते हैं, तो कुछ काम सैलून पे भी हुआ नहीं है। पीछे से लगा कर आगे तक इतनी मिट्टी है, पूरे घर में लगाना है झाड़ू, सॉरी घर क्या शॉप पे लगाना है झाड़ू। पीछे से शुरुआत करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अभी सारा काम निपटा के फ्री हुई हूँ। कल जो दिमाग की दवाई लगाई थी उससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, और मेरा सैलून है वो एकदम पैक है, तो उसकी वजह से थोड़ा सफोकेट फील हो रहा था। तो हमने लगाया है ये प्रोडक्ट, आपको दिखाती हूँ पास में से। ये एरेंस का कपूरदानी है, और इसके ऊपर जो कपूर हमने रखा है वो भी एरेंस का है। और ये सारी यानी जो दुर्गंध होता है, दुर्गंध होती है, उसको हटाने में एकदम ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने काम कर पाई। पर ये जब से लगाया है तब से थोड़ा सही फील हो रहा है। और कपूर जो होता है वो आप सबको पता है नेगेटिविटी को दूर करता है, तो आई होप मेरे सैलून से जो नेगेटिविटी अभी मेरे दिमाग में भर गई है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। ये जो दीमक लगी है वो सच में दिमाग में लग गई है, यूँ वाली बात हो गई है। टेंशन होती है ना, क्योंकि दीमक यानी फैलती ही जाती है। अब इसका इलाज हम कल करवाएंगे, क्योंकि आज आने वाला था कोई पर आया नहीं, पर कल सुबह आएगा तो देखेंगे क्या होता है इसका ट्रीटमेंट, और वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर मैं सैलून नहीं आ पाई और चिकू को पूछ के भी आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगी क्या क्या किया। पर अभी फ़िलहाल इसकी बदबू तो इस कपूरदानी से बिल्कुल चली गई है, दिमाग की दवाई की बदबू। केरोसिन वाली आती है और केरोसिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, मिट्टी का तेल, उसकी बदबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो बस मैं आज पूरा दिन काम करके थक गई हूँ, क्योंकि भाई जी आई नहीं रही है शॉप पर, तो आगे से लगाकर पीछे से लगाकर आगे तक कंप्लीट झाड़ू निकाला। चलो दिखाती हूँ कितना झाड़ू लगाया है वो। ये जो पीछे हमारा ये जो शैम्पू स्टेशन है, दोनों बाथरूम भी धोए और ये बेसिन भी धोया, पोछा भी धोया, भाई जी धो ही नहीं रही थी कितने दिनों से। और यहाँ से लगा कर पूरा आगे वाला जो गेट है वहाँ तक झाड़ू लगाया, पूरा कंप्लीट क्लीन किया, यहाँ पर भी पूरा क्लीन किया, यहाँ पर किया। इस झाली में इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, यानी क्या बताऊँ, पूरी मिट्टी मेरे सिर में घुसी है। तो मुझे आज ऑयलिंग करनी है और कल मैं करूँगी हेयर वॉश, क्योंकि उसकी मिट्टी है ना पूरे बालों में जम गई है, और मेरे को डस्ट से जुकाम भी हो जाता है, और जो मिट्टी उड़ती है उससे ऑफकोर्स बालों में डस्ट इकट्ठी होगी, तो डस्ट क्या बनाती है, डैंड्रफ। तो इसलिए कल वॉश करना ज़रूरी रहेगा, कल वॉश कर देंगे बालों को। और आज तो हमने पूरा ताबड़तोड़ काम किया है, घर पे भी काम किया है और यहाँ पर भी काम किया है, पर कोई नहीं। अभी कितनी बज रही है, अभी बज रही है 5 और मैं जा रही हूँ घर पे, क्योंकि अब मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ठीक है, घर जाके आपसे मिलती हूँ। मैं जाने वाली थी पर आ गए कस्टमर तो नहीं जा पाई, और अभी बज रही है 7:30, तो अब जाऊँगी घर पर और घर जाकर बनाना है खाना, तो घर जाके मिलती हूँ आपसे। ऑनलाइन कस्टमर को सेल कर रही थी लिपस्टिक्स, तो देखो क्या हाल हुआ है मेरे हाथ का, क्योंकि हर एक शेड बताना पड़ता है ना, और स्किन टोन के हिसाब से पता भी चल जाता है कि कैसा शेड कैसा है, कौन सा शेड कैसा है। तो बस यही प्रोसेस चल रहा है, चिकू को फ़ोन किया है पर अभी तक आए नहीं लेने, देखती हूँ कितने बजे तक आते हैं। घर आ गई हूँ मैं, और जैसे कि मैंने आपको सुबह बोला था कि मेरा जो क्रॉक्स का जूता है वो टूट चुका है, और मुझे क्या एंकल बहुत ज़्यादा पेन करती है, तो दो कल से टूटा है, तो वो दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा एंकल में, बहुत ज़्यादा दर्द है, इस जगह पे दर्द होता है, कोई नहीं बर्दाश्त करेंगे, पर कल हम उसको मोची के पास रिपेयर करा देंगे, तो वो हमारा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मैंने परचेज़ किया है, एक डेढ़ साल ही हुआ है, सो इतना जल्दी हम फेंक नहीं सकते ना, इसलिए जूते को हम रिपेयर करवा के पहनेंगे। अभी बन गया है मेरा खाना, और खाना बनाते बनाते क्या गर्मी लग रही है आजकल, बारिश तो हो ही नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बारिश ने तो बोल दिया बाय बाय, बिल्कुल ज़िंदगी ख़त्म, खलास। और अब मैं खा रही हूँ खाना, और खाने में क्या बना है बताती हूँ। केकोड़े की सब्जी रोटी, तो जल्दी से अपना खाना फिनिश करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। अगर यहाँ तक देखने के बाद ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और बेल आइकन को कर देना प्रेस, ओके। और शॉप करो जो मेरी
एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर देना। इतना काम कर दो, रोमा निपेश है मेरी आईडी और यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है ना। ओके बाय, गुड नाइट।